दोस्तों नमस्कार। खबर देवरी सागर मध्य प्रदेश से, जहां हजारों समर्थकों के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी अरविंद कुमार दीक्षित ने कराया नामांकन। नशा, मांस, भयभूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मुद्दों को लेकर उतरे मैदान में। आपको बता दें कि इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी को देवरी विधानसभा की जनता भरपूर सहयोग कर रही है। अरविंद कुमार दीक्षित देवरी विधानसभा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। इसी का परिणाम है कि देवरी विधानसभा का हर एक गांव उन्हें जानता है, उन्हें के अच्छे कार्यों से खुश है। श्री दीक्षित ने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है तो निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर ही क्षेत्र को शराब मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशियों ने नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन, भयभूत भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन जीने और समाज को बनाने का संकल्प लिया है। निश्चित तौर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को दिया गया वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चोट होगी, नशा के खिलाफ एक चोट होगी, समाज को साफ सुथरा बनाने में सहयोग होगा। केसली सागर मध्य प्रदेश से संवाददाता महेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। आइए जाने प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा, किस तरह की जनता से अपील। हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से देवरी विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाए गए। हमारा नाम अरविंद कुमार दीक्षित। आपका उद्देश्य व लक्ष्य क्या है पार्टी का? पार्टी का मूल उद्देश्य है समाज के लिए नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त करते हुए चरित्रवान, चेतनावान बनाना। क्या पार्टी इस बार विधानसभा से सीट ले जाएगी? क्या ये बतलाइए, कौन सी पार्टी है जो इसके लिए, हर पार्टी ये सोच के अब चुनाव मैदान में उतरती है कि हमको विजय श्री प्राप्त होगी। इसी प्रकार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी अच्छी 90 सीटों पर अभी चुनाव लड़ रही है और सभी में जीतने का प्रयास कर रही है। सुना जाता है आप लोग नशा मुक्ति के बारे में भी, नशा मुक्ति के विषय में भी आप लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग गलत 30 वर्षों के लिए हमारे संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन समाज के लिए नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहा है, जिसके लिए भगवती मानव कल्याण संगठन की एक पहचान नशा विरोधी संगठन के रूप में है। और इस समाज के लिए जितना भगवती मानव कल्याण संगठन ने नशा मुक्त किया है, किसी दूसरे संगठन ने या किसी दूसरी पार्टी ने आज तक किसी के लिए, समाज के लिए नशा मुक्ति का कोई काम नहीं किया। सिर्फ आप लोग देवरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और अन्य विधानसभा से नहीं? हम लोग अभी हमारे संज्ञान में जो है 90 सीट से फार्म भरे जा चुके हैं और ये राष्ट्रीय कार्यालय का मुद्दा है, वो कितनी सीटों से प्रत्याशी उतारते हैं ये हमारा विषय नहीं है। धन्यवाद सर। जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिंदाबाद।